9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज सबसे बड़ा दिन है पंजाब के इतिहास के लिए, क्योंकि पंजाब वो पहला स्टेट बन जाएगा आज जिसने सड़क सुरक्षा फोर्स जो है बना दी है। आज इसका थोड़ी ही देर में रस्मी ऐलान कर दिया जाएगा। इस समय हम उस जगह के ऊपर खड़े हैं, हम जलंधर में खड़े हैं, जहां पे आज इसको हरी झंडी देके लोगों को सीएम मान की तरफ से समर्पित किया जाएगा। एक बार आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये वही गाड़ी है सड़क सुरक्षा फोर्स जिसको स्पेशल इस चीज के लिए इसका जो बूटिक रहेगा किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। 144 टोटल ये जो गाड़ियां हैं 144 5000 जो पुलिस कर्मी है इसको चलाएंगे। आपको पहले अंदर से दिखाते हैं किसकी टेक्नोलॉजी क्या है। ये है वो गाड़ी जो लोगों को अब समर्पित की जाएगी। क्या क्या फीचर्स है बारीकी आपको दिखाते हैं। सर थोड़े को जानना चाहूंगी किस तरीके नाल ऑपरेट होगी पूरी कार। फ्रंट कैमरा जी, फ्रंट कैमरा ओके ठीक है। स्क्रीन टच, स्क्रीन टच दे विच क्या क्या रहेगा थोड़ा समझाओगे। ये भी अटैच होता जी नाल। हाँ। सब कुछ आऊ, मतलब जो भी ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग वगैरह सारी है जी। सर आज ये लाइटा जी हूटर ऊपर लाइट बत्ती हूटर ये मैडम वायरलेस है पिछे लगे जी। एक सानू पिछे स्पीकर दिता जी बक्सा वड्डा बोलन वास्ते। दूसरा ओ आईकोन जो मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाना पिछे रखना जी। फर्स्ट एड बॉक्स जी, कलर टैप जी, झंडा जी, वाटर कैनर जी, ये चीजा ने सर। सड़क सुरक्षा फोर्स पहली बार पंजाब दे विच बनी है, पहला स्टेट। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 5000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਊ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ अगर किसी नू नाक दी प्रॉब्लम हुंदी है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, हालांकि हले उसनू ओपन नहीं किया गया है क्योंकि थोड़ी ही देर दे विच इसनू ओपन कर दिता जाएगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਨ ਸੂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਠੰਡ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟਲੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਸਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸਦਾ? ਸਰ ਆਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ? ਸਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੈਨਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 144 ਟੋਟਲ ਇਹ ਕੈਬਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੀ ਜਾਏਂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਮੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ वो बनेगी। आज तक किसी स्टेट में नहीं। और सबसे जो खासियत बात है कि ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जो लेस है वो ये सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई है। आप में अटायर देख सकते हैं, 5000 जो टोटल मुलाजिम हैं जो सड़क सुरक्षा फोर्स में जो तैनात होंगे, जो लोगों की सुरक्षा हर 30 किलो, सबसे अहम जो जानकारी है कि हर 30 किलोमीटर के ऊपर ये गाड़ी जो होगी, जहाँ पर जिसको जरूरत होगी तुरंत तौर के ऊपर। आमतौर पे पहले क्या होता था कि जब कोई घटना घट जाती थी तो कई तरीके के समय से कई बार एम्बुलेंस लेट पहुंच पाती थी, हाईवे पे होने के कारण कई बार हम जान भी नहीं बचा पाते थे। तो जिसके चलते अब सीएम मान ने साफ तौर पे ये बात कही है कि जो सड़क सुरक्षा फोर्स है वो
इसके साथ लोगों की जान भी बचेगी जिसको सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर हर 30 किलोमीटर के ऊपर खड़ी होगी तो जाहिर है कि लोगों को जाने में आने में बहुत आसानी होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट बन जाएगा, अब बन चुका है कहा जा सकता है, पंजाब पहला ऐसा स्टेट या सूबा बन चुका है जहां पे सड़क सुरक्षा फोर्स जो बना दी गई है, 144 गाड़ियां हैं, इसमें से कुछ जो है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जो इन्होंने टेक्नोलॉजी से बेस्ड बनाई है। और सीएम मान ने खुद कहा है कि हमारा मकसद है कि पंजाब को एक ऐसा स्टेट बनाना जो अपने आप में सबसे डिफरेंट और एक रंगला पंजाब जो होएगा, और उसके तहत आप देख सकते हैं कि आज पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स जो है बना दी गई है, आज उसका इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और पंजाब के लिए 144 गाड़ियां, 5000 मुलाजिम, यानी कि एक बड़ी सौगात है जो आज के पंजाब के लोगों को दी जाएगी। चंडीगढ़ से टीवी जलंधर से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।